सुबह सुबह 7:26 पे ये एक्सीडेंट हुआ है बठिंडी तालाब के पास। गवर्नमेंट स्कूल की एक बच्ची जिसका नाम साइमा था, उसको रैश ड्राइविंग के दौरान जो है एक लड़की का उसका एक्सीडेंट हो गया, पिछला टायर गाड़ी का उसके सर के ऊपर से निकल गया और लड़की की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अभी तक जो है 2:45 हो गए हैं, हम यहाँ कब से एजिटेशन कर रहे हैं, ना आरटीओ आया अभी तक यहाँ पे, ना डीसी जम्मू आए हैं। देखिए मैं आपको ये आपके मीडिया के थ्रू जो है मुतालबा करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो ये ड्राइवर हैं, खास करके ये ड्राइवर जो हैं ये कंडक्टरों को देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइवर नीचे खुद उतर जाते हैं मक्का चौक में रेस्ट करने के लिए और ये ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग चलाते हैं, 10 रुपए की सवारी के पीछे एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं, किसी की जान चले जाए इनको कोई फिक्र नहीं है। आज बच्चे सारे सड़कों पे यहाँ पे निकले, दुर्घटना की वारदात यहाँ पे, जिससे बच्ची को जान अपनी गवानी पड़ी, ये सब बच्चे यहाँ पे सड़कों पे यहाँ पे, और मैं हमदर्दी का इजहार करने के लिए इन बच्चों के साथ हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी दिखाई नहीं देती और हमने फौरी तौर पर कहा है कि कम से कम 2-3 घंटे हो गए ये रोड जाम करते हुए, ये लोगों के जज्बात यहाँ पे थे, दोबारा कहीं पर ऐसा हादसा यहाँ पे ना हो पाए, ड्राइवर को तुरंत पकड़ा जाए। बच्चे जिस ढंग से अपनी आवाज़ को यहाँ पे उठा रहे हैं, मैं अपनी आवाज़ भी इनके साथ यहाँ पे मिलाता हूँ। जब इस तरह की एसपी संदीप जी का फोन आया तो यही था कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वो एक हादसा हुआ जिसमें बच्ची की जान भी गई, तो उसके चलते बच्चों का रोष था, सही भी है, वाजिब भी है, और रोष प्रकट कर रहे थे और काफ़ी समय लगा और एसपी साहब सुबह से यहाँ पे थे और एंगेज कर रहे थे और बात कर रहे थे, क्योंकि चार पाँच डिमांड थे कि टूर लोडिंग जो बसेज रहती मेटाडोर्स रहती हैं, टूर स्पीडिंग, गाने चलते हैं, उसका हमने कॉग्निजेंस लिया है। मेरी आरटीओ साहब से वो इस वक्त अभी नहीं थे ऑफिस में, उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसे ही जो उनका पता चल गया है उसका रजिस्ट्रेशन जो है गाड़ी का, वी हैव रिकमेंडेड कि उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करें और जो ड्राइवर चला रहा था उसको ऐसे हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं, हर बार यही आश्वासन दिया जाता है लेकिन जमीनी सतह पर नहीं बताया जा रहा है। देखिए मैं तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि वो अंडर एज था, पुलिस हैज ऑलरेडी टेकन अ कॉग्निजेंस, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी कड़ी से कड़ी अंडर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना कोई इसमें एक चीज देखिए जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली गई है, एक बच्ची की डेथ हुई है तो उसमें उसी हिसाब की सजा जो है कानून में वो निर्धारित ऑलरेडी की कर दी गई है कि कड़ी से कड़ी सजा जब किसी एक्सीडेंट में डेथ इन्वॉल्व होती है, और उसमें अगर जो आपकी बात है कि बच्चा जो ड्राइवर अंडर एज था या कुछ भी, अगर वो बात इन्वेस्टिगेशन में प्रूव होती है तो एक्शन विल ऑल्सो बी टेकन अगेंस्ट जो उस मेटाडोर का ओनर है उसके खिलाफ। लेकिन